हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना मिश्रा सिंपल एंड स्वादिष्ट में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एकदम नए तरीके की बहुत ही स्वादिष्ट काले चने की सब्जी, जो आज से पहले ना कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। अगर आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे कि मैं जो भी रेसिपी डालूंगी वो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं काले चने की सब्जी बनाना। ये मैंने पानी में भीगे हुए काले चने लिए हैं और इनको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, तो भीगने के बाद ये डबल हो जाते हैं। अब इस चने को हम मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे और ये 2 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और 4 लहसुन की कलियां हैं इनको भी इसी में डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है इसको भी इसी में डाल देंगे और 2 चुटकी हम हींग इसी में डाल देंगे और 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। और ये सब डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम पीस लेंगे। इसका हमें दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बहुत ही फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए मैंने पीस लिया है और इसको पीस करके इस तरीके से रेडी हुआ है। इसको हमें बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है और इसमें पानी हमें बहुत ही थोड़ा सा डाल करके पीसना है। अब इस पेस्ट में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1/4 हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये सब डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब इसी में हम थोड़ा सा एक प्लेट लेंगे और प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको इसी में हम डाल देंगे ग्रीस करी हुई प्लेट में और इसमें लगभग 2 चम्मच पेस्ट हम बचा देंगे उसी कटोरी में। इसको हम फैला देंगे तो अभी इसको मैंने फैला लिया है इस प्लेट में और इसको हम साइड में रख देते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैंने जिसमें चना पीसा था वही मिक्सर जार लेंगे और उसी में ये मैंने एक प्याज थोड़ा रफली सा काट लिया था उसको इसी में डाल देंगे और 2 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और 4 कली लहसुन के इसी में डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी इसी में डाल देंगे और इन सबको डाल करके पेस्ट बना लेते हैं। अब ये मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे तो लगभग 2 बड़े चम्मच ये मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 चुटकी हींग डाल देंगे। तो जीरा को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जीरा भी गोल्डन कलर का हो गया है। अब ये मैंने प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको इसी में डाल देंगे। और ये मैंने 2 चम्मच चने का जो पेस्ट बचाया था उसको भी इसी में डाल देंगे। अब ये सब डालने के बाद इसी तरीके से भून लेंगे इनको। तो अब ये देखिए प्याज और चने का पेस्ट भून गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, ये कलर के लिए है, इससे कलर अच्छा आ जाता है। और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम सब्जी मसाला डाल देंगे। और ये सब डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब ये मैंने 3 टमाटर रफली चॉप कर लिया था वो भी इसी में डाल देंगे। आधे कप के लगभग इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा चला देंगे। तो अभी ये हमारे मसाले और टमाटर पकेंगे। अब इसमें हम बीच में एक कटोरी रखेंगे और उस कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। कटोरी के ऊपर ये मैंने जो दाल को प्लेट में फैलाया था उसको हम इसी में रख देंगे, जिससे कि ये भाप में पक जाएगा और हमारा समय भी बचेगा। आप चाहें तो इसको अलग भी भाप में पका सकते हैं। अब इसको हम ऊपर से ढक देंगे। इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। अगर आपको लग रहा है ग्रेवी के मसाले का पानी कम हो गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे
और फिर से उसको ढक देंगे उसी तरीके से। तो अब 7 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो हम एक चाकू लेंगे, चाकू उसको हम इसमें डालेंगे और देखिए चाकू में अगर नहीं चिपक रहा है तो समझ लीजिए ये रेडी हो गया है और ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। अब इस प्लेट को आप निकाल लीजिए बाहर और ये कटोरी का पानी आप इसी में डाल दीजिए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, तो नमक हमें हिसाब से डालना है। और नमक डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। अभी हमारे टमाटर पूरी तरीके से गले नहीं है तो इसको हम ढक करके हम 5 मिनट तक और पका लेंगे। जब अब ये ठंडा हो गया है, अब इसके हम पीसेस काट लेंगे। फ्रेंड्स ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार बना करके खाइएगा जरूर और हमें बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी बनी है। और सारे पीसेस इसके इस तरीके से निकाल लीजिए। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो टमाटर देखिए अच्छी तरीके से गल गए हैं। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप पतली या गाढ़ी कर रख सकते हैं उसको। तो अब ये ग्रेवी रेडी हो गई है, अब इसमें हम ये जो मैंने पीसेस काटे थे इसको हम इसी में डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम चला देंगे, बड़े आराम से चलाइएगा नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। और इसको ढक करके हम 2 मिनट तक पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी सब्जी ये बन के रेडी हुई है। अब इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और ये डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चला देते हैं। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है काले चने की सब्जी गर्मा गर्म। देखिए कितनी अच्छी ये सब्जी बन के रेडी हुई है। अब इसमें हम हरी धनिया से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। इसको आप रोटी या चावल के साथ किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।